हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को राधे राधे। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट के फॉर्म भर रहे हैं और आपके 24 तारीख सीटेट की लास्ट डेट है। आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाइए। सीटेट उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं है जितना लोगों ने इसे बना दिया है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इसके क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व सकते हैं। एक तरीके कह सकते हैं कि सीटेट का धुआं धुआं निकाल देंगे एक तरफ से, ठीक पुंगी बजा देंगे सीटेट की। फ्रेंड, आपको पता है मैं आपके लिए CDP की क्लासेस लेके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको पियाजे के कॉग्निटिव थ्योरी को पहले पढ़ाया था, फिर उसके बाद मैंने उसके की पॉइंट बताए थे, और लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो हमारे प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन आंसर पे था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ से मैंने जो वादा किया था कि लगभग 500-600 क्वेश्चन जो सीटेट के प्रीवियस ईयर को होंगे और विभिन्न अलग अलग राज्य स्तरीय जो टेट में आए हुए हैं CDP क्वेश्चन, वो भी मैं आपके सामने साझा करूंगा। आप देखिएगा एक महीने के बाद आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। लास्ट टर्न पर मैंने आपको 20 क्वेश्चन पियाजे से रिलेटेड कराया था, और मैंने बताया भी था कि इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा हाई लेवल पर लेके मैं चलूंगा। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं पढ़ता हूँ आप सुनने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका के दो एक समान ग्लासों के प्रदर्शन करती है, यानी एक शिक्षिका है दो एक समान ग्लासों का प्रदर्शन करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं, वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है। यानी कह कर दो, ध्यान रखिएगा, दो समान ग्लास हैं। कैसे ग्लास हैं? यानी ग्लास की जो क्वांटिटी है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो समान है। उन्हें भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। देखिए क्वेश्चन बन गया ना, एक आपका ग्लास जो है वो लंबा है और दूसरा ग्लास आपका ऐसा चौड़ाई में है, लेकिन दोनों की जो धारिता है, बोले तो कैपेसिटी, दोनों की समान है। मान लीजिए दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 लीटर, यानी इसमें भी 1 लीटर आता होगा और इसमें भी 1 लीटर आता होगा। बस अंतर किस चीज़ का है? दोनों की आकृति का, ठीक। ये लंबाई में बड़ा है और ये चौड़ाई में बड़ा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बच्चों को उस ग्लास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे ग्लास में जूस जो है वो ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली जगह कठिनाई है, यानी कह रहे हैं कि बच्चे किस रेफरेंस में इस समय उत्तर दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बच्चे जो हैं उन्हें अभी भी आकृति का ज्ञान नहीं है। कह सकते हैं ना कि आकृति का ज्ञान नहीं है। अब की पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी स्टेज है, ये है पियाजे की पूर्व संघ क्रियात्मक वाली स्टेज। यानी इस स्टेज में क्या था कि उन्हें पलटावी, यानी पलटने का गुण नहीं पता था। किस गुण की उनके अंदर कमी थी? पलटने की। यानी मैंने बताया था ना कि अगर किसी बच्चे के सामने दो समान लंबाइयों की छड़ों को रख दोगे आप, ठीक, और एक, ये दोनों लंबाई कैसी हैं? समान है। इसकी भी अगर x है तो इसकी भी कितनी होगी? x ही लंबाई होगी। अब मान लीजिए आपने एक छड़ी को आगे कर दिया, एक छड़ी को पीछे कर दिया, तो बच्चा क्या बताएगा? जो छड़ी आगे होगी उसी को वो बड़ा बताएगा। यही चीज कॉन्सेप्ट देखो लागू होता है यहाँ पे। बच्चा किस वाले ग्लास को बड़ा बता रहा है, यानी किसमें जूस ज़्यादा होगा? आपके ग्लास जो लंबा दिख रहा है उसमें, ना कि चौड़े वाले में। तो यानी बच्चे को किस चीज़ का भी गुण नहीं है, आकृति का उसे किसी प्रकार का गुण नहीं है, यानी उसे पलटावी का ज्ञान नहीं है। मतलब उसे ये नहीं पता है कि चीज़ जो है वो 1 लीटर ही है। बस उसे खाली ये दिख रहा है कि जो चीज़ बड़ी है वो सही है, जो चीज़ बड़ी नहीं है वो छोटी है। तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, जरा ऑप्शन पे गौर कर लेते हैं कि बच्चे को समायोजन की दिक्कत है, बच्चे को अहम केंद्रता की दिक्कत है, बच्चे को विकेंद्रीकरण की दिक्कत है, या बच्चे को पलटावी दिक्कत है। तो मैंने आपको देखो पहले बिना ऑप्शन बता दिया है कि बच्चे को पलटने का गुण नहीं पता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी प्रकार से आपके आकृति की समस्या आएगी तो वहाँ पे आपके पलटने का गुण आ जाएगा, यानी उसे हमने आपको बताया ना, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती, यानी वो चीज़ों को बदल नहीं पाता है, चीज़ों पे पीछे नहीं जा पाता है। इसी को हम लोगों ने एक नाम दिया था, इसको नाम हम लोगों ने क्या दिया था? संरक्षण। क्या नाम दिया था? संरक्षण। यानी वो चीज़ों को कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा। उसे जो चीज़ बड़ी दिख रही है वो उसके लिए बड़ी है, और जो चीज़ छोटी दिख रही है वो उसके लिए छोटी है, ठीक। उसे इससे मतलब नहीं है कि वो बराबर है कि नहीं है, ठीक। तो ये किस अवस्था में बालक है? ये बालक है पूर्व संक्रियात्मक में, इसे पलटने का गुण नहीं आता है। क्लियर है फ्रेंड्स क्वेश्चन? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए,
आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। अब इन्हीं मान लीजिए जूस की जगह कुछ और कह देंगे, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि रीना अपनी बहन टीना को चिढ़ाते हुए कहती है कि पापा ने मुझे बड़ी बोतल लंबी बोतल में जूस दिया है और आपको चौड़ी बोतल में जूस दिया है। तो इस पे जो टीना है वो चिढ़ जाती है, तो बताइए टीना को क्या नहीं ज्ञात है? तो टीना को आकृति का ज्ञान नहीं है, यानी पलटने का उसे चीज़ों का ज्ञान नहीं है। अब चाहे इस पे चाहे जितने क्वेश्चन बना लीजिए, राजू श्यामू को ले आइए, टीना मीना को ले आइए, ठीक डिम्पल पिम्पल को ले आइए, किसी को भी आप ला सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर टू क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाने सीख लिए हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी लड़की है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। अच्छा, हम लोग क्या अलग अलग खाते थे, हाँ ठीक है, तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल करने का क्या कर लिया है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो अब वो दाल चावल जो खा रही है मिला मिलाकर, दाल और चावल दोनों को उसने क्या किया, मिलाया, ठीक, और मिलाकर क्या करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। तो हमसे कह रहे हैं कि उसने अपने स्कीमा में इस चीज़ का क्या बना लिया है, यही पूछा गया। स्कीमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पियाजे ने जो बताया है कि बौद्धिक सूचनाओं को संग्रहण करना क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। मैंने बताया ना, स्कीमा एक प्रकार का आपका स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है वैसे ही माइंड में एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका नाम क्या है, स्कीमा है। तो यहीं पे जो आपकी सीता है उसने दाल चावल को मिलाकर खाना शुरू कर दिया है, तो पूछा जा रहा है यह क्या है, यह ऑप्शन नंबर ए अंगीकार है, ऑप्शन नंबर बी समायोजित है, ऑप्शन नंबर सी अनुकूलित है, या ऑप्शन नंबर डी समुचिता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका हो जाएगा अनुकूलन। कैसे, यानी देखिए अनुकूलन क्या होता है, पहले आप अनुकूलन को समझिए, ठीक, अडॉप्टेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अडॉप्टेशन, ठीक, ये अनुकूलन होता है, अडॉप्टेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अनुकूलन क्या है कि आपके पर्यावरण में जो चीज़ें हैं, पर्यावरण यानी आपके वातावरण में चीज़ें हैं, उन्हीं वातावरण की चीज़ों से सीखना क्या कहलाता है, अडॉप्टेशन कहलाता है। जैसे हम लोग किस तरीके के प्राणी हैं, तो हम लोग हैं प्राणी थलचर, यानी थल में रहने वाले। कुछ प्राणी होते हैं जलचर, और कुछ प्राणी कैसे होते हैं, उभयचर, यानी एडॉप्ट। हम लोगों ने कैसा अनुकूलन किया है, पृथ्वी पे रहने का अनुकूलन किया है। वैसे ही मछली ने कैसा अनुकूलन किया है, जल का अनुकूलन, यानी अडॉप्टेशन है। क्या अडॉप्टेशन, वो प्रक्रिया है जिसमें आप वातावरण के आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, ठीक। अब सीता ने कैसे सीखा होगा, भाई सीता ने घर में देखा होगा किसी बड़े को दाल चावल मिक्स करते हुए खाते हुए, तो सीता ने उस चीज़ को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से कोई चीज़ को ले लेना, ठीक। अडॉप्टेशन, अपने बच्चा देखो ना, बच्चा एडॉप्ट किया जाता है, यानी बच्चे को गोद में ले लिया जाता है। वैसे ही सीता ने क्या किया होगा, सीता ने दाल चावल खाने का जो गुण था उसके परिवार में किसी के पास उसे एडॉप्ट कर लिया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी जब आप कोई भी चीज़ को सीखेंगे, कुल मिला के ऐसे है ना, जब आप कोई भी चीज़ को सीखेंगे तो आपका वो किस श्रेणी में चला जाएगा, अनुकूलन में चला जाएगा, ठीक, समझ गए होंगे आप। अब अनुकूलन की देखिए प्रक्रिया काम कैसे करती है, थोड़ा सा इस चीज़ में आप देख लीजिए। पूछा जाता है कि अनुकूलन की प्रक्रिया काम कैसे करती है, तो ये हो गया आपका अनुकूलन, ठीक, अडॉप्टेशन। अब ये इसके दो चरण होते हैं, पहला चरण जो आपका होता है वो होता है आत्मसातीकरण, ठीक, जिसे हम लोग एग्जामिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है आपका समायोजन, दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, आपका समायोजन, जिसे हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, ठीक। अब देखिए इन दोनों गुणों में है क्या, यानी जब भी आप कोई नवीन चीज सीखते हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अब इस नवीन सीखी हुई चीज़ में जब आप कोई चीज़ ऐड करते हो, ठीक, यानी ऐड मतलब आपके पूर्व अनुभव प्लस आपका नवीन अनुभव, जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे आपको फूल का ज्ञान था कि कमल एक फूल है,
ठीक, कमल एक फूल है। फिर थोड़े दिन बाद जब आप बड़े हुए तो आपका बताया गया कि कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। कैसा फूल है? राष्ट्रीय फूल है। तो आपने क्या ऐड कर लिया कि जो आपका पूर्व अनुभव था फूल के बारे में, अब उसमें आपने एक नई चीज ऐड कर ली कि कमल जो है हमारा वो राष्ट्रीय फूल है। तो ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? एग्जामिनेशन या आत्मसात्तीकरण कहलाती है। ठीक, वही समायोजन क्या है? समायोजन है आपकी आत्मसात्तीकरण की गई चीज में बदलाव, यानी जब भी आप उस चीज में किसी भी प्रकार का बदलाव करेंगे, ठीक, उसे चेंज करेंगे, उसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। क्लियर है ना? तो अनुकूलन की एक प्रक्रिया के दो चरण होते हैं, एग्जामिनेशन एंड एकोमोडेशन। एग्जामिनेशन में आपका आता है ऐड करना, किसी भी पुरानी जानकारी में नवीन जानकारी ऐड करना। ठीक, जैसे मैंने बताया ना कि फूल, कमल के फूल की जानकारी थी, बस उसमें एक चीज ऐड की कि कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है। वैसे ही इसी थोड़ी जानकारी में जब कोई दिक्कत आती है तो उसी जानकारी को थोड़ा सा बदलाव करना या बदलना क्या कहलाता है? आपका समायोजन कहलाता है। आई थिंक ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सीधे सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं, अब अगर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, यानी अगर आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वो आपका आत्मसात्तीकरण है। ठीक, उसी ऐड में जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहते हैं? समायोजन है। ठीक, बस ऐसे ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे भागे की थ्योरी तो हमेशा क्वेश्चन की चेंज हुआ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमसे कहा जा रहा है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, यानी जो पूर्व संक्रियात्मक के बच्चे हैं जिनकी एज क्या रहती है? आपके 2 से 7 वर्ष, ये आपके पियाजे की सेकेंड स्टेज है। ठीक, यानी जो पूर्व संक्रियात्मक के बच्चे हैं ये याद करने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के जिम्मेदार ठहराया है, यानी वो याद क्यों नहीं कर पाते हैं चीजें को, ये चीज हमसे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है, परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, यानी उन्हें हाइपोथेटिकल रीजनिंग नहीं आती है। दूसरी है, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, यानी उन्हें जो क्या कहते हैं, जो चीज़ें सामने नहीं हैं उन्हें सोचने में वो चीज़ में दिक्कत आती है। तीसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगत कल्पित कथा। ठीक, और चौथा ऑप्शन है, विचार की अनुत्क्रमणता, यानी पलट ना सकने का गुण। देखिए, ऑप्शन इसका जो नंबर डी है वही सही होगा, क्योंकि इसमें आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है, मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, इसमें एक गुण बच्चे के अंदर नहीं आ पाता है, वो है रिवर्सिबिलिटी, यानी पलटावी का गुण, यानी वो अपनी वापस वाली स्टेज पे नहीं जा पाता। कुल मिला के ऐसे कहें तो वापस नहीं जा पाता। जैसे कैसे कह सकते हैं इस चीज को, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कैसे लाइन खींची, उससे पूछोगे ये क्या है? लाइन है। ठीक, अब लाइन में मैंने ऐसे बना दिया, अब उसे पूछो क्या है, तो कहेगा वाहक है। ठीक, अब मैंने उसमें ये बना दिया, अब का है, अब हम पूछेंगे बताइए वन कहाँ गया, वन कहाँ गया, तो अब वो ये नहीं बता सकता कि वन कहीं मतलब चला गया है, वन अभी भी है, बस हमने उसमें किया क्या है, वन में चेंजेस कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? चेंजेस, यानी वो चीज़ों को वापस नहीं ला पाता है। अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखना है आपको, तो जिसको हम लोग कहते हैं ना बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, यानी इस एज के जो बच्चे होंगे वो 10, 9, 8, 7, 6 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे के लिए सिखाया जाता है, पीछे के लिए सिखाया नहीं जाता है, यानी कुल मिला के कहें तो वो अपनी वापस वाली स्टेज पे जा नहीं पाते हैं। ठीक, यानी अगर आप बच्चे से पूछोगे ना कि 9 से पहले क्या आता है, तो वो 8 नहीं बता पाएगा, वो 9, 10, क्योंकि उसे एक तरीके से सिखाया जा रहा है कि 9 के बाद 10 आता है, वो वापस नहीं आ पाता है। ये किस स्टेज में रहता है? आपकी पियाजे की सेकंड स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक, यानी उसे पलटने का गुण नहीं आता है, वो जो आपकी आकृति होती है उसमें भी अंतर नहीं कर पाता है। इसका मैंने उदाहरण आपको दिया था कि बच्चे के सामने 1 किलो रुई रख के रख दीजिए, ठीक, और 1 किलो का बाट रख के रख दीजिए। ठीक, अब आप उससे पूछोगे कि बताओ बेटा कौन सा भारी है, तो वो रुई को वो भारी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आकृति का ज्ञान नहीं है, हर बड़ी दिखने वाली चीज़ ही उसके लिए भारी और बड़ी होती है। ठीक, क्योंकि उसे किसी प्रकार के वस्तुओं का संरक्षण का ज्ञान नहीं है। आकृति, आकार, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, किसी भी चीज़ का उसको इस पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान होता कब है? इसके जस्ट वाली बात जो स्टेज होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त मतलब ठोस, यानी अब वो चीज़ों को समझता है कि
ऐसा तो नहीं, मतलब रुई जो है वो फूली है, अगर इसको हम लोग स्पंज दबा दें कसके से पानी भिगो के, तो ये भी क्या होगा आपके बांट के बराबर जब आ जाएगी तो लगभग बराबर ही वेट दोनों का हो जाएगा। फिर उसे ये भी पता चल जाएगा कि जूस चाहे लंबी बोतल में हो चाहे चौड़ी बोतल में हो, अगर उसकी क्वांटिटी बराबर है तो मतलब अगर 1 लीटर ही है तो आप कैसे भी आकृति में उसे डालिए वो 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि पियाजे को किस अध्ययन के लिए जाना गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भाषा विकास, ऑप्शन नंबर बी है आपका यौन विकास, ऑप्शन नंबर सी है आपका संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 4 है आपका सामाजिक विकास। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में आपको बताने वाला नहीं है, तो पियाजे का जो आपका कॉग्निटिव थ्योरी, इसका आपको नाम ही पता है संज्ञानात्मक विकास, यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। इसका एक नाम और है, ध्यान रखिएगा, विकासात्मक विकास, कभी कभी पूछ दिया जाता है तो इसे भी आप नाम को ध्यान में रखिएगा कि पियाजे की थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है विकासात्मक विकास। तो पियाजे ने बच्चों के क्या कहते हैं आयु के आधार पर, बच्चों को उनके आयु के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है आपका संवेदी गामक, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है आपका मूर संक्रियात्मक और चौथा है आपका अमूर संक्रियात्मक। ये वाली जो स्टेज है वो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरी वाली आपकी 2 से 7 वर्ष तक, तीसरी वाली 7 से 11 वर्ष तक और चौथी वाली 11 से 15 वर्ष तक। ठीक, क्लियर है ना। इन्होंने अपना जो आधार माना है वो किसको माना है, बौद्धिक संक्रियाओं को, यानी बुद्धि कैसे कैसे बच्चे की बदलती है। वही बच्चा यहाँ पे प्रकाश से संबंधित होता है, वही बच्चा यहाँ पे चीज़ों को पलट नहीं पाता है, वही बच्चा यहाँ पे मूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है और वही बच्चा यहाँ पे अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक, तो पूछा जाए पियाजे का मतलब कौन सा थ्योरी है, तो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी है, जिसे हम लोग विकासात्मक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इतने कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा वो है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। देखिए आ गया ना वर्ड आपका संरक्षण, उतनी देर से मैं इस पे ही बहस कर रहा हूँ, संरक्षण यानी चीज़ों को अपने आधार पर समझना। आधार कौन से हैं, चाहे उसका द्रव्यमान बदले, ठीक, चाहे उसकी आकृति बदले, चाहे उसका आप क्षेत्र बदल दीजिए, चाहे आप उसमें संख्या बदल दीजिए, ठीक, यानी ये आपके क्या हैं, इसके आधार हैं, मतलब संरक्षण के आधार हैं कौन कौन, द्रव्यमान, आकृति, क्षेत्र और संख्या। हमसे पूछा गया जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे आकृति खुद बदल जाए, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब आप खुद बताइए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी से बेटर कुछ हो सकता है। मैंने अभी बताया ना कि संरक्षण का मतलब क्या है, संरक्षण का मतलब है किसी भी वस्तु के गुणधर्म को ध्यान में रखना, किसी भी वस्तु के गुणधर्म को ध्यान में रखना, चाहे वो द्रव्यमान हो, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो संख्या हो। ठीक, द्रव्यमान की बात जैसे मैं आपको अभी मैंने बताई थी कि आपका 1 किलो रुई 1 किलो बाट, ठीक, यानी उनका संरक्षण का मतलब है कि द्रव्यमान दोनों का बराबर है। आकृति में अगर आप देखोगे कि एक आपकी लंबी बोतल थी, एक आपकी क्या कहते हैं बड़ी चौड़ी बोतल थी, ठीक, आकृति में भिन्नता थी लेकिन दोनों की कैपेसिटी सेम थी। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल की बात है, एक जैसे मान लीजिए 2x3 का ग्लास हो, ऐसे मान लो ये 2x3 का हो और एक 3x2 का हो, तो दोनों की जो क्षेत्रफल है वो दोनों का बराबर ही आएगा। ठीक, यानी उनके गुणधर्म, यानी किसी भी वस्तु के गुणधर्म को ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। बस इतना पॉइंट ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु के गुणधर्म को ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, बाहरी आकृति चाहे जैसी भी हो। क्लियर है ना। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षण। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आज का प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? देखिए, संरक्षण पे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि संरक्षण से ही आपका पलटावी का गुण आता है और पलटावी का गुण सीटेट को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बना करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला यानी सही कथन पूछा हम लोगों से, विच स्टेटमेंट इज राइट, यानी ट्रू। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम बदला जा सकता है, यानी जो आपके चार स्टेजेस बताई थी, क्या उन्हें आगे पीछे किया जा सकता है, ऐसा कहने की बात है। अगला है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण स्थिर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने आपको अभी बताया था पियाजे ने जो अपना वर्णन दिया है वो किस आधार पर दिया है, बौद्धिक आधार पर, यानी आयु के मानसिक जो आयु है उसके आधार पे। इसी आधार पे उन्होंने जो पहली स्टेट बताई है वो आपकी कौन सी है, संवेदीगामक, दूसरी जो बताई है वो पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी बताई है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक, इसकी जो स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष, इसकी 2 से 7 वर्ष, इसकी 7 से 11 वर्ष, इसकी 11 से 15 वर्ष। ठीक, अब आप ऐसा समझिए, किसी पूर्व संक्रियात्मक बच्चे को आप अगर कह दोगे कि बच्चा कहानी लिख के दिखाओ तो वो नहीं लिख पाएगा। ठीक, या उससे आप कह दीजिए हाथी पर निबंध लिख के दिखाओ तो वो नहीं लिख सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि उसकी जो मानसिक क्षमता है, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना IQ, अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को सोच सके। ठीक, हर एक नहीं कहा जाता कि आपको हर किसी भी चीज़ में विकास करने के लिए धीरे धीरे आपको चलना पड़ता है। जैसे मकान कभी हवा में नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि हवा में बनाने के लिए भी आपको बेस चाहिए। तो मकान कभी भी बनता है सबसे पहले उसकी नींव बनती है। वैसे ही आपका क्या है कि प्रत्येक स्टेज जो है वो एक के बाद आती है, यानी जो आपकी सभी स्टेज हैं वो स्थिर हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, यानी किसी प्रकार का इनमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन कर रहा है? पियाजे महोदय कर रहे हैं। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो डी, क्योंकि किसी भी स्टेज आपको ये वाली स्टेज से सीधे बच्चा कहीं मूर्त पे आ जाए तो वो नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमताएं जो हैं वो सब हिल उल जाएंगी, उसके दिमाग में भूचाल आ जाएगा, स्कीमा जो पियाजे का स्कीमा है ना वो पूरा एक तरीके से नष्ट हो जाएगा। ठीक, और पियाजे की थ्योरी भी नष्ट हो जाएगी। तो कोई भी मनोवैज्ञानिक जो अपनी थ्योरी देता है वो ये नहीं चाहता है कि हमारी थ्योरी को कोई कटाक्ष करे। ठीक, हालांकि जो पियाजे का आप क्या कहते हैं नैतिक विकास वाला जो सिद्धांत था उस पर खूब सारा कटाक्ष हुआ, क्योंकि उसमें उन्होंने भाषा विकास के बारे में थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल पे उन्होंने बता दिया था, जिसपे आपके क्या कहते हैं नॉम चोमस्की और कोहलबर्ग ने अपना अपना ज्ञान दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 क्या है? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है वो है कि एक वर्ष तक के शिशु जब आंख कान व हाथों से सोचते हैं, समझ गए होंगे आप, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? यानी आंख नाक कान आपके क्या हैं? आँख है हो गया आपका, कान हो गया आपका। ठीक, ये आपके क्या हैं? ये आपके संवेदी अंग हैं। क्या हैं? संवेदी अंग है। यानी जैसे देखो, बच्चा जब आपका क्या कहते हैं किसी आवाज़ सुनता है तो वो हंस देता है, किसी को देखता है तो वो मुस्कुरा देता है। ठीक, कोई भी आप उसको चीज़ दोगे तो वो समझ जाता है। तो यानी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा अपने संवेदी अंगों से समझता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझता है। तो ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक स्तर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, यही इसका राइट आंसर है, इंद्रिय गामक स्तर। यह मैंने आपको बताया भी है, नहीं संवेदी अंगों द्वारा सोचना, अपनी इंद्रियों से सोचना, किन से सोचना, अपनी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों से सोचना ही क्या कहलाता है आपका, संवेदी अंगों द्वारा सोचना। इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था। क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, जो आपकी पियाजे की पहली स्टेज है कब से कब तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक क्या करता है, प्रकाश के प्रति अपनी सचेतना व्यक्त करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, ध्यान रखिएगा,
वस्तु स्थायित्व। मैंने उस दिन बताया था ना कि अगर ये पेन है, उस इस पेन को आप अगर उसके आंखों से सामने ओझल कर दोगे, ठीक, तब भी वो आपके घूम के इस पेन को देख लेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपने उस वस्तु को उसकी आंखों के सामने से गायब किया है, ना कि बिल्कुल उसे मिटा दिया है। यानी उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, उसे ये लगता है कि चीज़ अभी भी मौजूद है, बस मुझे दिख नहीं रही। ठीक, क्लियर है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, इसी मैंने अभी इस स्टेज के आप में एक बताया था मैंने आपको, प्रकाश के प्रति सचेतना और वस्तु स्थायित्वता, उसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना निम्न में से शिशु के किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करना है। समभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताई थी ना कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है, किसी भी चीज को आंखों के सामने से ओझल कर देना, आंखों के सामने से हटा देना, ठीक, लेकिन अस्तित्व में रहना, लेकिन उस वस्तु का अस्तित्व बना रहना, ठीक। जैसे आपके पास बच्चे का कोई खिलौना है और वो खिलौना आप थोड़ी देर के लिए छुपा देते हो और फिर बच्चे से क्या कहते हो कि आपका खिलौना तो कोई उठा ले गया, लेकिन बच्चा क्या करता है, इधर उधर झांकेगा और अपना खिलौना ले आएगा, ठीक। तो यही क्या है, वस्तु स्थायित्व है। ये गुण बच्चे के अंदर कब आता है, तो लगभग 18 माह से लेके 24 माह तक, यानी कह सकते हैं 2 वर्ष तक वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो बच्चे के अंदर आ जाता है। वस्तु स्थायित्व क्या है कि बस किसी भी वस्तु को आंखों के सामने से हटा देना, लेकिन उसके अस्तित्व को हटाना नहीं, ठीक, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी जो आपकी प्रक्रिया है जिसमें संशोधन का कार्य होता है। अभी अगर आपको याद हो, पहले क्वेश्चन के बाद में मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई थी कि संशोधन का काम किसमें होता है। चलिए बिना ऑप्शन ही मैं आपसे पूछता हूँ। सबसे पहले एक वर्ड था आपका एडॉप्टेशन, ठीक है, एडॉप्टेशन यानी अनुकूलन करना, किस आपको अपने पर्यावरण से सीखना, ठीक। इस अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती है, पहली होती है आत्मसातीकरण, पहली क्या होती है आत्मसातीकरण, और दूसरी क्या होती है समायोजन। समायोजन मैंने क्या बताया था आपको, आत्मसातीकरण में किसी भी चीज़ को ऐड करना, कैसा ऐड करना, कि पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान दोनों बने रहें, पूर्व ज्ञान प्लस नवीन ज्ञान दोनों बने रहें। जबकि समायोजन में क्या है कि जो भी आप नवीन जानकारी एकत्रित कर रहे हो, नवीन ज्ञान जो एकत्रित कर रहे हो, उसमें बदलाव करोगे, पहले अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, बदलाव करोगे, उसी के बाद उसको स्टोर करोगे। किसमें स्टोर करोगे, अपने स्कीमा में स्टोर करोगे। जैसे मैंने इसका उदाहरण क्या आपको बताया था उस दिन, याद होगा, एक क्वेश्चन था कि चहलकदमी करते हुए एक पुत्री अपने पिता से पूछती है कि जो पतंग उड़ रही है क्या वो भी चिड़िया है, क्योंकि उसने सभी चिड़ियों को उड़ते हुए देखा था, पतंग को उड़ते हुए नहीं देखा था, ठीक। तो हुआ क्या, उसकी जो जानकारी थे, जो उसके पूर्व ज्ञान थे, और उसमें जो नवीन ज्ञान जो पतंग आई थी वो हलचल पैदा कर रही थी, ठीक। यानी जो एक शब्द होता है साम्य अवस्था, कौन सी अवस्था, इक्विलिब्रियम, ठीक, जो आपकी साम्य अवस्था थी वो गड़बड़ कर रही थी इसके ज्ञान में, कि ये ऐसी कौन सी चिड़िया है जो आकाश में उड़ती है और मनुष्य उसको उड़ाता है। तब उसके पिता क्या समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये आपकी चिड़िया नहीं, ये पतंग है जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है और ये उड़ती है। तो उसने अपने नवीन ज्ञान में क्या संशोधन किया कि हर उड़ने वाली चीज चिड़िया नहीं होती, ठीक, समझ गया ना। तो उसका जो पूर्व ज्ञान था उसमें नवीन ज्ञान ऐड करने वाली थी, लेकिन उसके पिता ने क्या किया, रोक दिया, नहीं बेटा इसे चिड़िया वाले स्कीमा में मत ले जाओ, ये उड़ती तो है लेकिन चिड़िया नहीं है। यानी उसने उस उड़ने वाले स्कीमा में पहले किया बदलाव, उसके बाद ही उसने क्या किया, उसको ऐड किया। यही बदलाव, यही संशोधन क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, ACCMMDATION, ठीक, अकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, ठीक।
अब इसमें देखिए ऑप्शन भी आपका दिया है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, समायोजन होगा, एकोमोडेशन होगा, यानी किसी भी नवीन ज्ञान को ऐड करने से पहले उसमें बदलाव, चेंज, मैनिपुलेट करना ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। बार बार मैं बता रहा हूँ, आत्मसात्तीकरण क्या है, सिर्फ ऐड करना है, किसी भी जानकारी को अपने स्कीमा में ऐड करना कि ये पेन है, ये पेन टैब है, ये पशु है, ये वो है, सब ऐड करना आत्मसात्तीकरण है। उसी ऐड करने के पहले अगर उसको बदल दिया तो वो आपका समायोजन है या एकोमोडेशन है। क्लियर है ना? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर मैं पढ़ता हूँ, मैं रफ कर देता हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है। ऑप्शन ए एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी पियाजे द्वारा, ऑप्शन डी कोहलबर्ग द्वारा। मैंने आपको पहले बताया है कि जो आपके पियाजे महोदय हैं, पियाजे महोदय हैं, ये आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने बच्चों के बौद्धिक आधार पर चार स्तर बताए हैं। ठीक, वो चार स्तर आपको पता है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। पहला है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये अध्ययन करने वाले कौन महोदय हैं? ये अध्ययन करने वाले आपके पियाजे महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। यानी उत्तर बाल्यावस्था अगर बात करोगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक, तो उत्तर बाल्यावस्था लगभग आपके 8 से लेके 12 वर्ष तक। अब पियाजे के अकॉर्डिंग देखोगे तो पियाजे की स्टेज होती है जो चलती है 7 से 11 वर्ष तक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इस अवस्था में होता क्या है कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन आने लगता है, यानी जो चिंतन होता है उसका किसके आधार पर होता है, तर्क के आधार पर होता है। दूसरी बात क्या है कि बच्चे के अंदर पलटावी का गुण आ जाता है। ठीक, बच्चा चीज़ों को, संरक्षण को समझने लगता है। ठीक, बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है, विकेंद्रीकरण का। ठीक, समझ गए ना? अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान के आधार पे, द्रव्यमान और संख्या के आधार पे, सिर्फ संख्या के आधार पे, द्रव्यमान, संख्या या क्षेत्र के आधार पे। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन को देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था संरक्षण, फिर संरक्षण में मैंने आपको बताया था आकृति, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यानी किसी भी प्रकार से आप चीज़ों को बदलिए, किसी भी प्रकार से आप चीज़ों को बदलिए, लेकिन आप उसके भौतिक गुणधर्म को बदल नहीं सकते। अगर कोई चीज़ प्लास्टिक से बनी है तो आप उसको चाहे पेन बनाइए, चाहे बाल्टी बनाइए, चाहे बॉटल बनाइए, उसका जो भौतिक गुण है, जो उसका फिजिकल गुण है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगी, चाहे आप उसे किसी भी आकृति में ढाल दीजिए। समझ गए? यानी आप उसके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, आप उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसकी संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपने एक बड़ा लोहा लिया और बड़े लोहे को छोटे छोटे लोहे में काट दिया, ठीक, तो आपने क्या किया, उस एक लोहे की संख्या बढ़ा दी छोटे छोटे में, क्या उसका भार घट जाएगा या बढ़ जाएगा? भार तो उतना ही रहेगा ना। ठीक, आकृति बदल सकते हैं लेकिन आप उसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल सकते। यही भौतिक अवस्था क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है। ठीक, और संरक्षण में आपके तीन गुण आते हैं, वो चार गुण मैंने अभी बताए थे। पहला आकृति आता है, दूसरा द्रव्यमान आता है, तीसरा आता है आपका संख्या और चौथा आता है आपका क्षेत्र। ठीक, अब ऑप्शन मैच कर लीजिए, आई थिंक ऑप्शन नंबर जो डी है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो मूर्त अवस्था में हम लोगों ने क्या देखा, तार्किक चिंतन करने लगता है, पलटावी का गुण आ जाता है, संरक्षण आ जाता है और विकेंद्रीकरण आ जाता है। वो चीजों को हर केंद्र से देखता है। नहीं कहते कि सिर्फ एक ही पॉइंट को ना देखो, मतलब सिक्के के दो पहलू होते हैं तो दोनों पहलुओं को देखो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके इंडियन टीम का आपका सेमीफाइनल हारना, तो कुछ लोग उसको क्या कर रहे हैं, मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तो आप दोनों चीज़ें देखो कि हार का कारण क्या था, ठीक, और जीत के क्या कारण हो सकते
थे, आप उन पर विचार करिए। तो सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही सेंटर पे फोकस मत करिए, केंद्रीकरण मत करिए, आप उस चीज़ का विकेंद्रीकरण करके देखिए कि क्या और भी रीज़न हो सकते हैं हारने के। चलिए ठीक, तो हम लोग लेते हैं आपके अपने सेशन का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा वो है आपकी स्क्रीन पे, जब नए विचारों को मौजूदा विचार में शामिल किया जाता है। आप देखिए थ्योरी को समझिए, जब नए विचारों को मौजूदा विचार में शामिल किया जाता है तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है। उतनी देर से मैं ऐसे क्वेश्चनों पे चिल्ला रहा हूँ कि पूर्व ज्ञान, देखिए अगर थ्योरी समझ रहे होंगे आप, प्लस नवीन ज्ञान, और किसी प्रकार का देखिए कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। क्या कहा गया है कि पुराने वाला जो ज्ञान था उस ज्ञान में नए वाले ज्ञान को जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। उतनी देर से मैं जोड़ना जोड़ना बता रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं, यानी बिना किसी बदलाव के कोई भी जानकारी को दिमाग में फिट कर लेना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। अगर चीज़ बदल दी तो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अगर चीज़ नहीं बदली, ऐसे ही फिट कर ली, तो आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। इसका सबसे उदाहरण मैंने आपको क्या दिया था कि आपको फूल की तो जानकारी होती है कि कमल एक फूल है, ठीक, ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया। अब मान लो किसी ने पूछा कि कमल क्या है, तो आपने कहा कमल एक फूल है, तो ये आपका क्या हो गया, पूर्व ज्ञान। ठीक, और वैसे तुरंत आपके टीचर ने क्या बता दिया कि कमल हमारा क्या है, राष्ट्रीय फूल है। क्या उसने बता दिया, राष्ट्रीय फूल है। तो बिना किसी बदलाव के, बिना किसी टेंशन के आपने क्या किया, उस जानकारी को ऐड कर लिया अपने किस वाले स्कीमा में, फूल वाले स्कीमा में, कि कमल का फूल राष्ट्रीय फूल। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती है आपकी, ऐड, जो कुछ भी आप ऐड करोगे बिना किसी चेंज के, ध्यान रखिएगा, वो आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, 13 वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देख रहे हैं आप बार बार जितने भी सीटेट में क्वेश्चन आए हैं, यही आपके संरक्षण, समायोजन, अडॉप्टेशन, एकोमोडेशन, एग्जामिनेशन, ठीक, इन्हीं पे बार बार रिवर्सिबिलिटी, इन्हीं पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, लिखा है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि मेज का वजन वही रहता है। देखो 12 साल का बच्चा है, यानी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतिम मतलब बिंदु पे है, यानी वो धीरे से अब औपचारिक में जाने वाला है। ठीक, वह यह समझ रहा है कि मेज को चाहे दाई ओर उल्टो चाहे बाई ओर उल्टो, ठीक, उसका वजन वही रहता है। देखो अब क्या हो गया, उसका वजन वही रहता है, उसे कौन सा गुण आ गया, संरक्षण का गुण उसके अंदर आ गया है, यानी उसे अब किसी भी चीज के पलटने से फर्क नहीं पड़ रहा, उसे पता है कि चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है, आगमनात्मक तर्क कहलाता है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है, या परिकल्पित तर्क कहलाता है। देखिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने उतनी देर से इस चीज़ पर देखो चर्चा कर रहा हूँ, तो आप कैसे भी पलटिए, बस भौतिक धर्म, भौतिक जो गुणधर्म है उनमें परिवर्तन ना करिए, जब तक ये परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक, यानी उसको पलटावी का गुण आता है, उसे विकेंद्रीकरण आता है, चाहे इधर से रखो चाहे उधर से रखो, सीधा रखो उल्टा रखो, चाहे जैसे रखो, चीज वही रहेगी, तो इस गुण को क्या कहते हैं, संरक्षण का गुण कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वस्तु स्थायित्व, तो मैं बता चुका हूं कि चीज होती तो है बस आंखों के सामने नहीं। ठीक, क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए क्वेश्चनों की बार बार भरमार बस एक ही कॉन्सेप्ट पे आ रही है, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये क्वेश्चन सब आपके भी प्रीवियस ईयर चल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा चेंज करते ही आपको क्वेश्चन नया मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कि एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है, यानी फ्रेंड जो है 5 फीट लंबा है, वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबे हैं। यानी जो आपका जिम्मा एक बच्चा है, ठीक, बच्चे का एक फ्रेंड है और एक उसके अंकल है, फ्रेंड की लंबाई है 5 फीट, अंकल की लंबाई है 4 फीट। ठीक, यानी बच्चा जो है, अंकल जो है 4 फीट लंबे हैं। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के किस दृष्टिकोण को खाली जगह में बच्चे को जिम्मेदार ठहराया गया है, यानी कह रहे हैं किस दृष्टिकोण से ठहराया गया है। पहला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है सेंसरी मोटर अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, मैंने अभी क्या बताया था आपको,
कि उसको किस चीज का ज्ञान नहीं है, संरक्षण का ज्ञान नहीं है। वो क्या नहीं समझ पा रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि लंबाई समान है कि लंबाई अलग अलग है। वो सिर्फ एक ही पक्ष को देख रहा है। मैंने भी क्या बताया था, केंद्रीकरण हो गया। वो क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। वो बस एक ही चीज पे फोकस हो गया। क्या हो गया, एक ही चीज पे उसका फोकस हो गया। वो फोकस किस चीज पे है, लंबाई पे है। किस चीज पे है, लंबाई पे है। वो ये नहीं देख रहा, उसे क्या लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीज बड़ी होती, मतलब लंबी होती है, वही बड़ी होती है। ठीक, अगर मतलब आपके घर में कोई 7 फीट लंबा है, भले वो सबसे छोटा हो मतलब उम्र में, लेकिन उस बच्चे के लिए वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। ठीक, क्लियर है। तो अब बताइए कि जो आपका क्या कहते हैं संरक्षण का गुण अभाव होता है, यानी इरिवर्सिबिलिटी जो होती है आपकी, वो कब होती है, जो आपकी इनवर्स यानी अपलटावी का गुण होता है, अपलटावी यानी चीजों को पलट नहीं पाता है, चीजों को आकृति आकार कह सकते हैं ना, आकृति आकार और अनुपात, इनमें अंतर किस अवस्था में नहीं कर पाता है। अगर आपने की पॉइंट मेरे वीडियो वाले देखे होंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत हो ही नहीं सकती कि आकृति आकार अनुपात में जो दिक्कत आती है वो बच्चों को पूर्व संक्रियात्मक में आती है। उतनी देर से मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, रुई का 1 किलो का ढेर और 1 किलो आलू। बच्चे को अगर दिखाओगे वो रुई के ढेर को ही बड़ा बताएगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये फिट है कि हर बड़ी दिखने वाली चीज ही ज्यादा होती है। ठीक, यानी उसका फ्रेंड 5 फीट लंबा है तो मेरा फ्रेंड मेरे चाचा से बड़ा है। ठीक, उसके अंदर किस चीज की कमी है, पलटावी गुण के इसके अंदर कमी है, चीजों को संरक्षण को वो समझ नहीं पाता, वो सिर्फ एक ही केंद्र पर फोकस किया है, वो केंद्र क्या है, लंबाई है। ठीक, सभी चीजें देखिए एक दूसरे से कोरिलेशन करके चल रही है। चलिए हम लोग भी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आज का क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए और आंसर मन में लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर जो है बच्चा हमारा वो ये है कि नंबर क्वेश्चन हमारा, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा। यानी राधा एक शिक्षिका हैं और उन्होंने अपने छात्रों से कहा है कि आप पूरे मतलब चैप्टर को पढ़िए और उनसे प्रश्न लिखिए, फिर प्रश्नों के उत्तर भी लिख लीजिए। ठीक, अपने हिसाब से। तो एक छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा। ऑप्शन ए संवेदी मोटर अवस्था, ऑप्शन बी संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि एक आपकी पियाजे की स्टेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक या अमूर्त। ठीक, इस अवस्था में होता क्या है कि बच्चा क्या करता है, कहानी लिखने लगता है। क्या करने लगता है, कहानी लिखने लगता है। ठीक, इससे पहले की जो स्टेज होती है वो है मूर्त अवस्था। जैसे मान लीजिए मूर्त अवस्था में आपने बच्चों को दिखाया ताजमहल, ठीक, सिंबल ऑफ लव दिखाया, ताजमहल दिखाया, वो उसने देख लिया। इस ताजमहल की जो इमेज थी, फोटो थी, उसने अपने स्कीमा में सेव कर ली। ठीक, अब बच्चा आ गया मान लीजिए औपचारिक या अमूर्त अवस्था में। अब आपने इस बच्चे से कहा कि लिखिए ताजमहल पे ऐसे लिख के दिखाई। अब देखिए बच्चे के सामने ताजमहल नहीं है, लेकिन ताजमहल की फोटो उसके दिमाग में है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, कहानी लिखना शुरू कर दिया। यही गुण उसका क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त मतलब जो चीज नहीं है उस चीज के बारे में भी सोचना, यानी एक कुल मिला के सभी पक्षों को सोचना, जितने भी पक्ष हो सकते हैं सभी पक्षों को सोचने का गुण किस अवस्था में आता है, आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक। ठीक, अब देखो शिक्षिका ने क्या किया, शिक्षिका ने बच्चों को क्या दिया, एक पाठ दे दिया और बोला कि इससे क्वेश्चन ढूंढ के लाओ। अब देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उस पाठ को पढ़ेगा, उससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो बनाएगा और फिर खुद आंसर करने की कोशिश करेगा। यानी बच्चा अपने संक्रियात्मक यानी बौद्धिक संक्रियात्मक की जो स्टेज है वो सबसे हाई लेवल पे। आप खुद सोचिए कि खुद क्वेश्चन बना के खुद आंसर देना, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो सी होगा, यानी बच्चा जो है वो अब अमूर्त अवस्था में आ चुका है, चीजों को उसने सोचना शुरू कर दिया है, अब वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग सही कर लेता है। चलिए
अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आज के। आज का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, वो आपकी स्क्रीन पे है कि 16 नंबर डाल लीजिएगा, पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, तो आपका जो इस वाले क्वेश्चन का आंसर था, पिछले वाले का, उसका ऑप्शन नंबर सी था। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है 16 नंबर, कि नाइफ के पिता के बाल सफ़ेद हैं, ठीक, और लंबे हैं, यानी नाइफ के डैडी हैं, डैडी के बाल सफ़ेद भी हैं और लंबे भी हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे होंगे। ठीक, अब देखिए उसने क्या किया है, वो अब हो गई है केंद्रीकृत। क्या हो गई है? केंद्रीकृत, यानी एक ही सेंटर पे वो फोकस हो गई है, उसे बस एक ही चीज़ दिखती है, वो है अपने पिताजी, मतलब अपने पिताजी को बस वो ये देख रही है कि अगर उनके बाल सफ़ेद और लंबे हैं तो दुनिया में जितने भी पापा होंगे सभी के बाल सफ़ेद और लंबे होंगे। तो वह किस अवस्था में हो सकती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर संक्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था या पूर्व संक्रियात्मकता। इसे आप देख सकते हैं ना, केंद्रीकरण मतलब वो चीज़ों के संरक्षण को नहीं समझ पा रही है। कुल मिला के ये समझिए कि वो केंद्रीकृत अवस्था में है, चीज़ों के संरक्षण को नहीं समझ पा रही है। और चीज़ों को संरक्षण किस अवस्था में आता है ना समझ पाना? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब तक? 2 से 7 वर्ष। यानी उसे क्या लगता है कि अगर कोई वस्तु काली है, मतलब जितनी भी काली वस्तुएं हैं सब डरावनी होती हैं, तो वो किस चीज़ में है? केंद्रीकृत में है, यानी वो काली वस्तुओं को देख के ही डर जाती है। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखती है कि काली वस्तु को देख के डरा जाता है। ठीक, तो वो सिर्फ एक ही पक्ष को देख रही है, इसलिए हम लोग कहते हैं केंद्रीकृत हो जाना, ठीक है, तो एक ही चीज़ को देखना, सेंटर फोकस्ड हो जाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? उसके अंदर जो संरक्षण का गुण है वो भी कम है। संरक्षण गुण में क्या है? कमी है, वो चीजों को पलट भी नहीं पा रही है। ठीक, आकार रूप रंग भौतिक गुणधर्म में अंतर नहीं कर पा रही है। तो ऐसी अवस्था किसमें आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, इस अवस्था मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर देखिए किसी प्रकार का कोई भी तर्क नहीं होता है। ठीक, बच्चे चीज़ों को जीवित समझते हैं, उनके अंदर एनिमिज्म का गुण पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है। गुड़िया को खिलाते हैं, गुड़िया को नहलाते हैं, ठीक, और उनका लालन पालन किया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। अभी देखो वही से बिल्कुल क्वेश्चन है, सफ़ेद वस्तु को क्या कहती है? तरल कहती है। तो रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है? विश्लेषण, अमूर्तीकरण, सामान्यीकरण या अनुभव? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट है वो है सामान्यीकरण। अब ये समझिए क्या है, मैंने इससे पहले आपको देखो एक उदाहरण दिया था ना, तो उसने क्या किया है, चीज़ों के सिर्फ एक ही केंद्र पे फोकस कर लिया है, यानी वो फोकस मतलब फोकस हो गई है सिर्फ एक ही सेंटर पे कि एवरी वाइट थिंग इज मिल्क, यानी जितनी भी दुनिया में चीज़ें वाइट हैं वो सभी मिल्क हैं। इसमें अभी मैंने इसका अच्छा उदाहरण क्या दिया था, ब्लैक वाला, कि हर काली दिखने वाली चीज़ डरावनी होती है। यानी उसने क्या किया, काले रंग को डरावने का प्रतीक मान लिया है। तो इस चीज़ को क्या कहा गया है? सामान्यीकरण। इसको अगर और अच्छी भाषा में देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण, यानी किसी भी उद्दीपक, उद्दीपक मतलब वस्तु, किसी भी वस्तु के सिर्फ एक पक्ष को ही देखना। ठीक, कि अगर वो वाइट है तो वो दूध ही होगा, अगर वो काली है तो वो चीज़ डरावनी होगी। ठीक, अगर काला है तो अशुभ ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये है सिर्फ एक पक्ष को देखना, ये क्या है? सिर्फ एक पक्ष को देखना। तो इसी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण। यानी उस चीज़ को इतना आपने सामान्य बना दिया है, उसके सिर्फ आप एक ही पक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आप किसी भी सफ़ेद वस्तु को देखते हो तो आप पहले मतलब जो इस अवस्था में जो बच्चा है वो क्या समझता है कि हर सफ़ेद दिखने वाली चीज़ क्या होती है? दूध ही होती है। तो ये अवस्था कौन सी हो सकती है? ये यानी चीज़ों को संरक्षित नहीं कर पा रही है, सिर्फ एक ही केंद्र पे फोकस्ड है, विकेंद्रीकरण नहीं कर पा रही है, सिर्फ केंद्रीकरण ही है उसके अंदर। तो ये आपकी आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आपको उसको पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि खाली जगह है कि दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यानी देखिए क्या लिखा है कि स्कीमा में ज्ञान की श्रेणी को प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। ये प्रक्रिया कहाँ से होकर गुजरती है? सबसे पहले इस प्रक्रिया में क्या आता है? अनुकूलन आता है। यानी आप अपने पर्यावरण से जो भी सीखते हैं,
कहाँ से सीखते हैं? वातावरण या पर्यावरण से, जैसे सीता का दाल भात खाना। ठीक, इसी अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं हैं, एक है एजामिनेशन, दूसरी आपकी एकोमोडेशन। ठीक, यानी यहाँ आप चीज़ों को ऐड करते हो, यहाँ आप चीज़ों को चेंज करते हो, मैनिपुलेट करते हो, उसके बाद में ऐड करते हो। ठीक, तो ये प्रक्रिया जो कुछ होती है वो किस चीज़ के लिए होती है? सब स्कीमा के लिए। मान लीजिए ये आपका स्कीमा है, स्कीमे में अलग अलग पार्ट हैं कि ये वाला पशु का है, ये वाला चीज़ों का है, ये आपके कहते हैं पेन का है, ये आपके बाइक का है, ये कार का है, ये एरोप्लेन का है, ये जानवरों का है, ये पक्षी का है। तो सबके अलग अलग स्कीमा है, और अपने स्कीमा में जानकारी को ऐड करना एक पूरी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अडॉप्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडॉप्टेशन बोलते हैं। यह प्रक्रिया दो चीज़ों से होकर गुजरती है, पहली है आपकी एजामिनेशन, दूसरा आपका एकोमोडेशन। क्लियर है ना? ठीक, तो जो कुछ भी सब होता है वो किस चीज़ के लिए होता है? स्कीमा के लिए होता है। मैंने आपको स्कीमा बताया था कि बौद्धिक सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करना, बौद्धिक सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? आपका स्कीमा कहलाता है। चलिए बिना देरी किए अपने अगले सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चे आपका, कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यानी विच कौन सा एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका खेल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी है विद्यालय कक्षा एवं पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी है सभागार, ऑप्शन नंबर डी है घर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता था, इसका अगर ऑप्शन नंबर आप ए देखेंगे कि खेल का मैदान, तो सबसे अच्छा जो विकास होता है बच्चे का इसी के अंतर्गत होता है। लेकिन जरा ऑप्शन नंबर आप बी पे जरा गौर करेंगे तो लिखा है उसमें विद्यालय एवं कक्षा कक्ष वातावरण, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो देखिए इसमें आपका कक्षा का वातावरण भी आ गया और विद्यालय, और विद्यालय में आपका क्या होता है? खेल का मैदान भी होता है, परिसर भी होता है, खेल का क्या होता है? परिसर भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादा करेक्ट, यानी 90% मतलब जो है वो विद्यालय के साथ जाना चाहिए, यानी बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो विद्यालय में बहुत अच्छा होता है। इसका ये भी सही हो सकता था, लेकिन उससे अच्छा एक ऑप्शन है ना, बेटर ऑप्शन जो आपके पास है जो इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से बता रहा है, विद्यालय कक्षा का पर्यावरण। भाई देखिए जैसे दो क्लास में बच्चे बैठे हैं, आप किसी कंपटीशन क्लास में बैठते हैं तो आप देखते हैं कोई बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर देता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो आप उसके क्वेश्चन को सुन लेते हो और बाय द चांस वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप बहुत खुश हो जाते हो। उसका कारण क्या है कि आपके जो बौद्धिक सूचना थी उसमें जिस चीज की मिसिंग थी वो आपने किसी दूसरे चीज से अडॉप्ट कर ली, किसी दूसरे चीज से सीख ली। यही क्या है? अडॉप्टेशन है, यानी अपने आसपास के पावनों से सीखना ही क्या है? अडॉप्टेशन है। अब मान लीजिए किसी चीज को आपने गलत सीखा हो, ठीक, किसी चीज़ को आपने गलत सीखा हो, तो उसी गलत सीखने के लिए जब आप उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे ना दूसरे से, तो आप उसमें चेंज करोगे, आपकी जो जानकारी उसमें चेंज करोगे, ये आपका क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। तो देखिए आप अपने आसपास ही ढूंढिए एग्जांपल्स को, बहुत सारे हैं, तो आपका जो सीटेट का मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का जो वातावरण है वो सबसे बेटर होता है आपके सीखने के लिए। ठीक, इस सेशन का आज लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? शुरुआत से पहले दिन से ही मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की मानसिक सूचनाओं का अगर शब्द का जिक्र होता है तो वो पियाजे के किस श्रेणी के लिए होता है? स्कीमा के लिए। इसी स्कीमा के लिए पूरी प्रोसेस चलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन कहते हैं। ठीक, तो बौद्धिक सूचनाओं को संकलित करना ही आपका क्या कहलाता है? स्कीमा या अवधारणाएँ कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके पियाजे से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, 20 उस दिन, तो लगभग 40 क्वेश्चन अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे। देखिए पहले वाले आपका सेशन जो था उसमें थोड़े इजी क्वेश्चन थे, इस वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया तो जो चीज़ें आपकी पलटावी गुण था, केंद्रीय गुण था, जो भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं उनको मैंने इस वाले आपके वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो को पूरा देखने की आप कोशिश करिएगा। ठीक, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आसपास के एग्जांपल से सीखेंगे, तो आप अपने आप उन प्रश्नों को हल करने का कोशिश
जरूर करेंगे। अगर मतलब सीधे पॉइंट टू क्वेश्चन को हिट करना चाहते हो तो की पॉइंट वाला जो डिस्क्रिप्शन वर्ड में वीडियो पड़ा है उसे जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू।